में उस समय हंगामा हो गया जब प्रैक्टिकल एग्जाम देने पहुंचे 28 स्टूडेंट्स को शॉर्ट अटेंडेंस के चलते अपात्र घोषित कर दिया गया। हंगामे के बीच एक स्टूडेंट के पिता ने कॉलेज प्रबंधन पर बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए कॉलेज की बिल्डिंग से कूद कर जान देने की कोशिश की। दरअसल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने लिखित परीक्षा में 65% से कम अटेंडेंस वाले छात्रों को प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए अपात्र घोषित कर दिया है। प्रबंधन का कहना है कि ये नियम सरकार का है, इसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। फिलहाल अभी स्टूडेंट की हड़ताल जारी है। ना करवाने की वजह से ताले लगा दिया गया था एग्जाम हॉल में, पेपर ही नहीं देने दिया था हम लोग। हम सब बाहर खड़े थे लेकिन हम लोग पेपर नहीं देने दिया था। जो हमारे जो थर्ड ईयर में प्रमोट नहीं हो पा रहे हैं कुछ बच्चे इस वजह से, और ईयर बैग भी लग रही है दूसरी बार, जिसकी वजह से हमारे फ्यूचर पर इफेक्ट पड़ रहा है। हम लोग यहाँ डीन से अगर शिकायत करते, डीन सर कहते हैं DFA मैम के पास जाओ, DFA मैम कहते हैं कि VC सर के पास जाओ, ऐसे हम लोग घुमाया जा रहा है। ना प्रशासन कुछ सुनता है, ना हम लोग रूल कहते हैं, सब रूल बुक के हिसाब से होता है। बट रूल बुक में तो ये प्रैक्टिकल में 28 लोग इन्वैलिड किए गए हैं, या इनका जो कहना है कि 65% से कम अटेंडेंस होगी तो अलाउड नहीं होगी। तो हमारे उसमें कई बच्चे इनका 40%, किसी का 12 है, किसी का 50% है। वो बात सही है, मैं मानती हूँ, लेकिन किसी की कंडीशन भी होती है। अगर हम लोगों ने बोला कि CMO का लेटर लाओ तो हम लोग कंडक्ट करवाने देंगे तुम्हें। CMO का लेटर हम लोग लेके आए तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि पहले CMO का बोला उन लोगों ने, तो हम लोग CMO का लेटर लेके आ गए। अब वो ये बोल रहे हैं कि CMHO का लेटर लेके आओ। अब एक दिन में किस तरीके से हम लोग लेटर बनवाए ये बताइए। हमारा जैसे आज पेपर है, प्रावधान नहीं है ना मेडिकल लीव का। रूल बुक में लिखा है कि अगर आपकी मेडिकल लीव मतलब मेडिकल होता है तो उस वजह से हम लोग करवा देंगे, तो मैं कंडक्ट कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल लीव का नहीं, मेडिकल लीव का है। आप रूल बुक में भी पढ़ सकते हैं ऐसा कि नहीं है। मेरी किस्में मैं सीनियर हूँ, मेरे जूनियर्स के संग ऐसा हो रहा है। हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि प्रशासन कुछ करता नहीं है यहाँ पर, इसलिए हम लोगों को सपोर्ट करना था। अगर प्रशासन किसी के पेरेंट्स आए कम से कम उनसे तो बात करना चाहिए। इन लोगों को किसी के पेरेंट्स आए हैं, वो बेचारे अगर किसी वजह से नहीं आ पा रहे तो वो मेडिकल लेके आए हैं, तो उनको आराम से बैठा के बात करना चाहिए, ना कि धमकी देनी चाहिए कि हमें कुछ कर लो। इकोनॉमिक्स का पेपर था, वो किसी कारणवश छूट गया था, तो उसके पीछे काफ़ी लोगों की बेक लग रही है। और एक अटेंडेंस का मामला है जो इन्होंने कुछ भी इस साल चिपका दी है, उसकी वजह से कुछ स्टूडेंट का बेक लग रहा है। उस कारण से इनके पेरेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं बात करने के लिए कि हमारे बच्चों ने क्या प्रॉब्लम किया, आप बताओ हमें। उनके पेरेंट्स डीन सर के पास जाते हैं, तो डीन सर ने उनको शांति से बिठाया नहीं, ना ही बात की उनसे। उनके पेपर थे वो फेंके, ने उनको धक्का दे दिया कि तुमको जो करना है वो करो। उसके साथ उन्होंने गनमैन भी बुला लिया आगे कि हम सिक्योरिटी के लिए। अब उनके पापा ने थोड़ा बोला कि मेरे से बात करो आगे, उन्होंने पुलिस को बुला लिया हमसे बात करने के लिए। और सर ये कुछ है भी नहीं कि पुलिस कॉलेज में आ सकती है, फिर भी हम हर टाइम ऐसे होता है कि पुलिस वालों को बुला लेते इनकी गलती छुपाने के लिए। इससे कम से कम 90 स्टूडेंट प्रभावित हो रहे हैं जिनका एग्जाम नहीं लिया जा रहा है। 90 स्टूडेंट का एग्जाम छूटा हुआ है, अटेंडेंस के लिए 28 स्टूडेंट का एग्जाम छूटा हुआ, अभी यहीं पे खड़े फर्स्ट ईयर के छात्र। हमारे यहाँ जो अटेंडेंस का जो रूल है वो 75% है, और उसमें से 5% जो छूट है वो अधिष्ठाता दे सकते हैं कोई अपने विवेक या एबिलिटी के आधार पर, और 5% जो छूट है वो अधिष्ठाता किसी संकाय, जो कि पूरे पाँचों कॉलेज के ऊपर जो डीन फैकल्टी एग्रीकल्चर हैं उनको अधिकृत है। तो लगभग 36 छात्रों को हमने 5% दिए, और करीबन 28 छात्रों को, 28 या 24 हैं उसको 5% DFA मैडम ने छूट दी है। तो ऐसे कुल करके हमारे जो छात्र हैं वो कुल 28 छात्र ऐसे बचे हुए हैं जिनका कोई एक सब्जेक्ट रुका हुआ है, किसी का कोई दो रुका हुआ है, जो कि 65% से नीचे हैं। और काफ़ी छात्र तो ऐसे हैं जिनकी 50 की आसपास हैं, उससे भी नीचे हैं, किसी के 12-18% भी है। तो अब अटेंडेंस जब लागू हुई है, और लागू शुरू से ही है, आसे नहीं है, तो उसको जो छात्र